हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम रेंज की बात करेंगे, ठीक है। रेंज का मतलब यहां पर आप आएंगे तो देख सकते हैं ये एक रेंज है, यानी कि E6 लिखा हुआ यहां पे, इट मींस कि ये सेल एड्रेस है। और यहां पर नेम बॉक्स में आते हैं, और नेम बॉक्स में मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर पहले कुछ नंबर्स लिख लेता हूं, लाइक 55 लिखा, 6 लिखा, 6 लिखा, फिर यहां कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये एक रेंज हो गई। अब इस रेंज को मैं एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहां से एक कलर मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूं। तो ये देखिए, ये कलर भी हमने प्रोवाइड कर दिया, पर्टिकुलर कलर हमने इसे दे दिया है। अब इसको सेलेक्ट करके इस पे बॉर्डर बना लेता हूं। और अब यहां पर हम बात करेंगे किसकी, इस ऐड करने की। तो ऐड करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां पर हम एक खास तरीके से ऐड करेंगे। अब देखिए यहां पर सेल एड्रेस आपको दिखाई पड़ रहा है, एक सेल एड्रेस दिखाई पड़ रहा है। मैं क्या करता हूं, यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेता हूं, सेलेक्ट कर लिया। और अब कहां जाएंगे, अब फॉर्मूलाज पे चलेंगे। ये फॉर्मूलाज पे आ गए और यहां दिया हुआ है डिफाइन अ नेम, तो यहां पर क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर एक नाम दे देता हूं, मैं अपना नाम दूंगा, तो यहां पे लिखता हूं सूरज सर, ये लिख दिया मैंने। इस रेंज को मैंने एक नाम दे दिया सूरज सर, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेशन के दौरान बहुत ही आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको अंडरस्कोर देना होगा बीच में, अगर आप कुछ लगाते हैं तो यहां पे अंडरस्कोर के साथ दे दीजिए, बस ये काम कर जाएगा। अब देखिए ये पर्टिकुलर जो रेंज है, अब देखिए कहां से कहां तक, ये देखिए ये है आपका E4 से लेकर E7 तक के रेंज को मैंने एक नाम दे दिया सूरज सर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सम का फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाना है, ये देखिए ये सम का फॉर्मूला लगा लिया। और यहां पे मैं क्या करता हूं, लिखता हूं सूरज सर, क्या लिखूंगा सूरज सर, तो ये लिखा मैंने सूरज सर। तो नीचे देख सकते हैं यहां पे सूरज सर लिखा हुआ भी आ रहा है। टैब प्रेस कर देता हूं, ब्रैकेट को क्लोज करता हूं, पहले ऐड कर लेते हैं इसको। देखिए 55 में 6 आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 61 आएगा, 61 में 6 ऐड करेंगे 67 आएगा, और 67 में 8 ऐड करेंगे 75 आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि आंसर आपका 75 आ चुका है। तो सेल रेंज का ये महत्व है, अगर आप सेल रेंज लेते हैं तो इतने आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे।